हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, हमने यहाँ पर सूरजमुखी का पेड़ लगाया हुआ है। अभी ये छोटा है। मैं यहाँ पर आ गई हूँ कोहड़े के खेत में, तो यहाँ पे कोहड़ा लगाया गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा कोहड़ा फरा हुआ है। ये देखिए एक छोटा सा ये भी है, और भी ये बतिया भी ले रखा है, और इसी तरह कई सारे फूल इसमें आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा फरा हुआ है ये कोहड़ा यहाँ पर। हमारे व्यूवर्स ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आप खेतों में हैं और लॉकडाउन है, तो मैं उनको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि किसानों को अपने खेतों में से फल और सब्जियाँ तोड़ने के लिए मनाही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कोहड़ा हमें जितना बड़ा चाहिए उसी प्रकार से हम कोहड़े को तोड़ेंगे। तो मैं देख कर यहाँ तोड़ लेती हूँ। तो मैं आपको आज बहुत ही टेस्टी सब्जी इसकी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने कोहड़े को अब तोड़ लिया है। तो कोहड़े को हमने तोड़ लिया है, अब मैं इसे लेकर चलती हूँ घर। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ये कोहड़े को हम बीच में से काट लेंगे। अब हम इसको चार भागों में काट लेते हैं ताकि इसको छीलने में आसानी हो। अब हम इसके डंठल को भी काट लेते हैं। अब जो कोहड़े के बीज का भाग है, इसमें बीज पड़ गए हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं और इसका छिलका भी उतार लेते हैं। यदि आपको छिलके से ही सब्जी इसकी पसंद है तो आप इसका छिलका रहने दीजिए, वैसे ही इसकी सब्जी बनाइए। इसी तरह हम सारे कोहड़े का छिलका उतार कर रख लेंगे। अब हम आलू का भी छिलका उतार कर रख लेते हैं। मैंने चार बड़े आलू लिए हुए हैं, इसी तरह मैं सारे आलूओं का छिलका उतार कर रख लूंगी। यदि आपको बिना आलू के कोहड़े की सब्जी पसंद है तो आप बिना आलू के भी इसे बना सकते हैं। अब हम सारी सब्जियों को धो लेते हैं। हम इसे दो तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोकर साफ करके हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं सब्जियों को। अब हम कोहड़े को काट करके रख लेते हैं। ये देखिए किस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे काटे हैं, तो आप भी इसी तरह काट लीजिए इसे। अब हम आलू को भी काट कर रख लेते हैं। आलू को हम चौकोर चौकोर आकार में, थोड़े से बड़े आलू हमने काट कर रखे हैं। आलू और कोहड़े को हमने काट लिया है। अब हम धनिया की पत्ती को भी बारीक काट लेंगे। की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है, ये हमने कोहड़ा लिया हुआ है, इसे हमने इस तरह से काट लिया है। आलू को चौकोर आकार में हमने इसे काट लिया है। धनिया की पत्ती बारीक काटी हुई है। एक बड़ा टमाटर लिया हुआ है। अदरक को हमने कूट लिया है, और ये हमने हरी मिर्च बारीक काटी हुई है। और तड़का लगाने के लिए हमने लिया हुआ है, एक लाल मिर्च ली है, दो बड़ी ली हुई है, और ये हमने थोड़ी सी मेथी ली हुई है आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा लिया हुआ है, हल्दी पाउडर लिया हुआ है, धनिया पाउडर लिया हुआ है, और ये लाल मिर्च ली हुई है, और ये हमने काली मिर्च को कूट कर ले रखा है। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल और इसे गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, और आलू को हम इसमें फ्राई करेंगे, यानी अच्छे से इसे भून लेंगे। अब हम इसे चलाते हुए इसे हल्का सा सुनहले कलर का भून लेंगे।
हमसे इसमें तेल थोड़ा गलती से ज़्यादा पड़ गया है दोस्तों, आप इसमें कम ही तेल डालकर इसको फ्राई करिएगा। आलू को हमने फ्राई कर लिया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने जो कोहड़ा काट कर रखा हुआ था उसे इसमें हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल डालकर इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी सब्जी हलवे की तरह हो जाती थी वो बिल्कुल नहीं होगी और बहुत ही खिले खिले कोहड़े की सब्जी बनकर तैयार होगी। अब हमने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया है, तुरंत हमने इसको डाला है और थोड़ी ही देर में इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से हमने तेल बहुत सारा निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मेथी दाना और इसको चटकने देते हैं। मेथी दाने को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा और एक जो लाल मिर्च ली थी उसे तोड़कर इसमें डाल देंगे और जो हमने बड़ी ली हुई है उसे हम फोड़कर इसमें डालेंगे। दोनों बड़ी को हम इसमें फोड़कर डाल रहे हैं और इससे सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। और इसमें डाल देते हैं अदरक, जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ था उसे इसमें डाल देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। भून लेने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब ये सारी चीज़ें भून लेने के बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, टमाटर को भी हम भून लेंगे। टमाटर को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले, तो इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर और इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर है इसे इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी मसालों को भून सकते हैं। मसालों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू और कोहड़ा, दोनों इसमें डाल देंगे एक साथ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्जी बनी है, आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी ये सब्जी। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें डाल देंगे जो हमने काली मिर्च को कूट कर रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और हम सारी चीज़ों को अब इसमें मिला लेते हैं। अब हम इसे धीमी आंच पर 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। अब हम इसे बीच में देख लेते हैं कि हमारी सब्जी कितनी पकी है। तो ये देखिए सब्जी हमारी लगभग पककर तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया सब्जी देखने में लग रही है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे कि कुछ देर के लिए और ही अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। अब हम इसे फिर से देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है, काफ़ी टेस्टी भी लग रही है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है, आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और धनिया की पत्ती डालकर हम इसे मिला लेते हैं। तो आपको हम इसे एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी खिली खिली ये सब्जी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्टी भी है। तो यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।